आयन वॉल्यूम्स के साथ में हूं आपकी दोस्त आयशा रवि। नाज़रीन आज मैं आपको ऐसे होनहार खातून से मिलवाने जा रही हूं जो पिछले 36 सालों से अपना कॉलर चला रही हैं। यही नहीं, वो इस कॉलर के जरिए जो है यतीम और जरूरतमंद लड़कियों को भी पुनर्मन कर रही है। और सबसे खास बात उनकी ये है, कॉलर के हवाले से कहा जाता है काफी नेगेटिव टोन के पॉइंट से जाते हैं, लेकिन ये कॉलर इस वजह से खास है कि इसमें मिलाद शरीफ भी करवाया जाता है, लड़कियों को दीनी तालीम भी दी जाती है। बाकी आगे क्या किस तरह से लेके चलती है, किस तरह से इन्होंने सोचा, बाकी बात ही से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसी हैं? यार फायदा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आप जो है काफी ट्रेंडिंग में हैं। हम देखते हैं कि आप अपने फॉलो को पिछले 36 साल से लेके चल रही हैं, और सबसे अच्छा मेन पॉइंट तो आपका हाईलाइट हुआ ये है कि इधर आप दीनी तालीम भी देती हैं और मिलाद वगैरह अपने बाकी ही जरा बताइएगा कि आपका स्टार्टिंग ही शुरू से आगाज आपको सुबह कैसी तरह से होता है? जी मेरी रूटीन है, 36 सालों से जितनी भी लड़कियां आती हैं उन्होंने दुरूशी लाजमी पढ़ना है सब में, और इसकी रूटीन मैंने कभी खत्म नहीं की। जब तक ये सब बच्चियां नहीं पढ़ती मैं वो वाली क्लासेस नहीं जबरदस्त और माशाल्लाह। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि अल्लाह के नाम से शुरू करें और बरकत ना हो तो मिल सकता हो, तो आपको देख के भी लग रहा है कि माशाल्लाह जिस हिसाब से आपका रूटीन चल रही है। आप ये बताएं कि आपका ये स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरू से आपने इस मोटिव को लेके चली, आपने स्टार्टअप कैसे किया? स्टार्ट में जब मैंने बिजनेस ये सैलून का करना चाहा तो इस एरिए में कोई सैलून नहीं था मेरा पहला था, तो ज़्यादा फैमिली की तरफ से लोगों की तरफ से था कि ये क्या है, ये काम क्या है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना था, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना था, उनका वो चाह रहे थे बाहर जाना, लेकिन मैंने कहा कि हम दोनों मिलकर इधर काम करेंगे और इकट्ठी लाइफ गुजारेंगे। तो फिर मैंने सैलून को चूज़ किया क्योंकि मुझे बिफोर ये बिजनेस आता था, मैंने इसको लेके चली आगे। तो मैंने घर से ही स्टार्ट किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छा। और मुझे मिलाद का और दुरूशी का शौक था, तो जुनून की हद तक शौक था क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये है ना कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तुम्हारे, लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह।